हो गया। देखो एक क्वेश्चन फ्लक्स में रह रहा था कि लेट अस से कि ये कोई आप ये क्वेश्चन है अलग अलग तरीके से पूछा जाता है सबको, कैसे कि ये कोई डिस्क है, जिसका रेडियस क्या है आर, और इससे एक्स दूरी के ऊपर यहां कोई आपने चार्ज पार्टिकल रख दिया, ठीक है, ये एंगल थीटा और ये एंगल भी थीटा, और ये पूछता है फाइंड आउट द फ्लक्स थ्रू दिस डिस्क। सो फ्लक्स थ्रू द क्यूब थ्रू द डिस्क, फ्लक्स थ्रू द डिस्क, जहां फ्लक्स करवाए तो भाई लिख लेना है रिजल्ट के फार्म में, इस डिस्क के थ्रू जो फ्लक्स आएगा दैट विल बी इक्वल टू फाइव इक्वल्स क्यू अपॉन टू एप्साइलन नॉट वन माइनस कॉस ऑफ थीटा। बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट आपने कहा पढ़ा था, बिल्कुल कुछ कुछ बिल्कुल ऐसा ही था, ठीक है। तो q अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, वहां q की जगह सिग्मा था, आपको याद हो तो वहां पे q की जगह क्या था, सिग्मा था, वहां पे चार्ज इस पर था, इसके कारण यहां फील्ड निकाल रहा है वो उल्टा था। कई बार सॉलिड एंगल की फॉर्म में भी आ सकता है, तो सॉलिड एंगल में और उसमें रिजल्ट क्या होगा, ये d phi is equal to, ये सॉलिड एंगल वाला भी नहीं ये कर लो, d phi is equal to 2 pi 1 minus cos of theta, ये आपका सॉलिड एंगल, ये आपका सॉलिड एंगल, और दिस इज सेमी वर्टेक्स एंगल, सेमी वर्टेक्स एंगल, ये रिजल्ट भी कई बार वो सॉलिड एंगल की फॉर्म में दे देगा तो फिर ये काम आ जाएगा। सो d phi is equal to 2 pi 1 minus cos of theta, थीटा ये वाला ही एंगल सिंगल वर्टेक्स वाला। तो ये क्वेश्चन इस वाले में कैसे पूछता है कि कौन की फॉर्म में पूछेगा वो, तो कौन तो कैसे एंगल सबटेंड करेगा, वो तो सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा ना, तो 3d के अंदर एंगल बना रहा है, तो वो कैसा एंगल कहलाएगा, सॉलिड एंगल, रिजल्ट ये यूज करेंगे। समझ में आया कि वो कहेगा कि कौन है, कौन के एज पर यहां पर रख दिया, कहानी तो वही है जो यहाँ पे है, कौन के अल्टीमेटली लास्ट में तो क्या बन रहा है डिस्क, आप याद करो प्रोजेक्शन टाइप वाली चीज, ठीक, ये रिजल्ट आप मान लीजिए, इसमें ये रिजल्ट याद ही रहना चाहिए आपको, डेरिवेशन में नहीं करवाना। हमने लास्ट क्लास में किया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, और ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आ गया था, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आया था, के क्यू बाय आर। फिर हमने कहा था कि भैया ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, अगर दो से ज्यादा या मल्टीपल चार्जेस अगर हैं तो उस केस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय द एल्जेब्रिक सम, और आपको वो जो फॉर्मूला था के क्यू बाई आर, उस फॉर्मूले के अंदर क्यू की वैल्यू कैसे पुट करनी थी, साइन के साथ, माने कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और नेगेटिव अगर है तो आपको उस केस में नेगेटिव वैल्यू पुट करनी थी, ये बात आपने करनी थी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज दिस कि एक चार्ज है 2×10⁻⁸ कूलाम, एक दूसरा चार्ज है, बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन कल हमने किया भी था, एक इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 15 सेंटीमीटर है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, जहां पर क्या जीरो हो, पोटेंशियल जीरो हो जाए। तो हमने कहा था कि सर यहां से दो केस बनेंगे, एक केस तो बनेगा उन दोनों के बीच में पोटेंशियल होगा कहीं, और दूसरा केस क्या बनेगा, आउटसाइड वाले रीजन में, और किसके नजदीक, छोटे वाले चार्ज, ठीक है। तो दो केस, दोनों केस हम लोग करेंगे, तो पहले वाला केस तो ये हो गया कि ये यहां से कितनी दूरी होगी, x दूरी होगी, ये कितनी हो गया 15 माइनस x, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो कर दो, मैं फर्स्ट केस कर रहा हूं। तो इस पर एक तो इसके कारण से पोटेंशियल, देखो मैं कल भी आपको बताया था कि या तो आप इसको पता क्या करो कि k इसमें q कितना है 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय x, प्लस इस वाले के कारण k
माइनस ये जो चार्ज लिखा है ये डिवाइडेड बाय 15 माइनस एक्स बराबर जीरो, या तो आप ये कर सकते थे, या डायरेक्टली क्या कर सकते थे कि जितना पॉजिटिव के कारण से पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड है उतना ही नेगेटिव वाले के कारण से, फिर मैं साइन नेगेटिव नहीं रखता, जैसे कि कल जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें ऐसे किया। तो 2 × 10⁻⁵, अच्छा माइनस देखो कि ये जब उधर चला जाएगा तो के भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 10⁻⁸ भी कैंसिल आउट, आपके पास बचेगा क्या 2 / x = 3 / 15 - 6, ये आपका आ गया 3x = 30 - 2x। अरे यही है, कहीं गड़बड़ तो नहीं करी, सही है ना? ठीक, ये इधर कितना आ गया 5x = 30x = 6 cm। एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, ये 6 cm आ गया आपका। एक बार देखा कहीं को कैलकुलेशन में तो गड़बड़ नहीं है, ठीक है ये 6 cm आ गया। तो अब आप अपना आंसर कैसे लिखेंगे कि 6 cm फ्रॉम दिस, अब आपको ऑप्शन बड़े ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शन कैसे कि वो क्या लिखा हुआ मिल सकता है, आपने x बराबर 6 निकाली और आपने किसी ऑप्शन में 6 देखा टक देनी मार्क करके चले, उसने अगर ये लिखा हुआ हो तो कि 6 cm फ्रॉम दिस, तो आपका आंसर तो गलत होगा। 6 cm तो आया है फ्रॉम इसको ए चार्ज लिख लो बेटा और इसको बी, फ्रॉम ए टुवर्ड्स राइट, लेकिन वो ऑप्शन में ऐसे भी तो दे सकता है क्या 9 cm फ्रॉम बी टुवर्ड्स लेफ्ट, तो ये ऑप्शन में आपको ध्यान से देखो। दूसरा केस क्या बनाओगे, दूसरा केस कि बाहर वाले रीजन में होगा जीरो, मान लो कि वो यहां कहीं होगा, इस बार ये मान लिया तो फिर एक्स डैश है, तो यहां पर एक तो इसके कारण से पोटेंशियल, केस टू कर रहा हूं k × 2 × 10⁻⁸ / x = अब देखो मैं इस बार इसका साइन नेगेटिव नहीं पुट कर रहा क्योंकि मैं तो इक्वेट कर रहा हूं डायरेक्ट पोटेंशियल, वो कितना आएगा k × 3 × 10⁻⁸ / 15 + x, क्या आ गया 2/x = 3/15 + x, 3x = 30 + 2x = 30। अगेन आप अपना आंसर कैसे बताएंगे, ए के लेफ्ट में 30 cm या फिर बी के लेफ्ट में 45 cm, तो दोनों चीजों का ध्यान रखना। पहली बात दो केस बनाने हैं और दोनों केस में भी फिर आपको ऑप्शन से बहुत ध्यान से देखना है कि आपने जो इतनी मेहनत करी कहीं वो ऑप्शन को मार्क करने में हड़बड़ी में गलती ना। क्लियर हो गया, क्लियर है इस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, देखो भैया अगला क्वेश्चन ये, अगला क्वेश्चन है ये ओरिजिन 1 m, 2 m, 3 m, 4 m और ये अप टू इंफिनिटी चलता है। यहां पर चार्ज रखा है 1 कूलम, यहां -1 कूलम, 1 कूलम, -1 कूलम एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। You have to find out electric potential at origin. Find out electric potential at origin. Origin पर electric potential बताइए, ये सवाल है। तो भाई जब आप ओरिजिन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हो तो जितने भी ये मल्टीपल चार्जेस हैं सबके कारण देखना पड़ेगा, तो सबके कारण आप देखो v = इस पॉजिटिव वाले के कारण से
बोलो बेटा फॉर्मूला के क्यू डिवाइडेड बाय आर, इसका क्या आएगा? प्लस के माइनस क्यू डिवाइडेड बाय, दूरी कितनी है दो, प्लस के क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस के क्यू डिवाइडेड बाय आर, और ये चलता रहेगा अप टू इंफिनिटी। इस पूरे में से मैंने k कॉमन लिया, 1 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 4 अगला प्लस 1 बाय 5 अप टू इंफिनिटी। क्या ये एपी है? क्या ये जीपी है? क्या ये एचपी है? फिर आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? यस, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ ln 1 प्लस एक्स, और मैंने आपको बताया था कि इसकी वैल्यू क्या आ जाती थी, नेचुरल लॉग 2। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में क्वेश्चन किया था, उसमें आया था ये, मैंने कहा था दोबारा भी आएगा, भी क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ये आपका जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। तो बेटा ये कितना आ गया आपका, आप लिखेंगे इसको ln 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या इसको कई बार ऐसे लॉग बेस ई टू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये याद रखनी है, ये सीक्वेंस, ये सब कुछ इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, बट ये चीज याद रखनी चाहिए। तो लॉग बेस ई टू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट या नेचुरल लॉग 2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस शुड बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया आपका। कर लिया, अब हम करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण से पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ, और भाई एक बात बहुत ध्यान रखना कि हमने जो रिजल्ट डिराइव किए थे वो सब शॉर्ट डाइपोल के लिए डिराइव किए, अगर दूरी उस पॉइंट की उसके कंपेरेबल है तो वो फॉर्मूले डायरेक्ट यूज नहीं होंगे। फिर आप कहोगे सर फिर कैसे करूंगा? अच्छा जरा आप एक बात बताओ, मैं आपको ऐसा कहता हूं सुन कि ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू, इक्वेशन आया हुआ है जी मीन, मैं इसलिए पूछ लेता हूं आपसे कि ये दूरी दे रखी थी 6 मीटर बाद लो, और सेंटर से 4 मीटर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लिया उसने। अब अगर आप यूज करने जा रहे हो क्या कि सर E इज इक्वल टू 2kp बाय आर क्यू, तो आप बहुत बड़े मूर्ख हो। आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना, आप ये करो इसमें तो एजम्पशन थी कि R इज मच मच ग्रेटर देन L, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल, दिस इज नॉट ए शॉर्ट डाइपोल। फिर कैसे करोगे इस सवाल को? तो पॉइंट चार्ज कितने? बार बार पता है कि डाइपोल कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, डाइपोल में सिर्फ 2 पॉइंट चार्ज तो है कुछ नहीं। इस वाले के कारण से फील्ड निकालो, इसके कारण निकालो, दोनों के डायरेक्शन क्या है? अपोजिट माइनस। ऐसा ही पोटेंशियल में भी होगा, एक बात ध्यान रखना, अगर शॉर्ट डाइपोल है तो ही वो रिजल्ट डिराइव करें, अदरवाइज आप उन दोनों को सिंपली ट्रीट करें एज ए पॉइंट चार्जेस, इससे ज्यादा कुछ ठीक है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन द एक्सिस ऑफ शॉर्ट डाइपोल, मैं पहले ही लिख दूं शॉर्ट डाइपोल के कारण से पोटेंशियल एक्सिस पर, ये माइनस क्यू, ये इसका सेंटर, और ये प्लस क्यू, ये एल, ये दूरी भी एल, और अब आपको आर दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। आर इज मच मच ग्रेटर देन एल, ये शॉर्ट डाइपोल की पहचान। तो भाई अगर आप पोटेंशियल की बात करो तो पोटेंशियल एक तो इस पॉजिटिव वाले चार्ज के कारण से आएगा, पॉजिटिव वाले चार्ज के कारण से, फॉर्मूला के क्यू डिवाइडेड बाय इस पॉइंट चार्ज की दूरी यहां से कितनी है, आर माइनस एल, के क्यू अपॉन आर माइनस एल, प्लस के इसके कारण से चार्ज कितना है माइनस क्यू डिवाइडेड बाय दूरी कितनी होगी बेटा, एल ये और आर वो, तो आर V equals K Q upon R minus L minus K Q over R plus।
मुझे आप एक बात बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो शॉर्ट डाइपोल के कारण से एक्सिस पे आया था वो आर के कैसे प्रोपोर्शनल था? बताओ विनीत कुमार। नहीं, आर की पावर फोर नहीं था, वो तो फोर्स, वो इंटरेक्शन आया था, वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का फोर्स प्रोपोर्शनल आया था आर की पावर फोर के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, भूलना नहीं है ये। तो V is equal to KQ common 1 over, ये चीज अगर इस तरह की चीजें भूलोगे तो फिर गड़बड़ करोगे भैया, तुम यकीन नहीं करोगे। अभी परसों जो नीट का एग्जाम हुआ, संडे वाला नीट का एग्जाम हुआ, उसमें सेमीकंडक्टर चैप्टर के अंदर वो पढ़ाते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, आपको पढ़ाएंगे, उसमें मैंने स्पेशल एक नोट लिखा हुआ है क्या कि आपका जो ये जो कैपेसिटर लगाते हैं फिल्टर सर्किट में, जो कैपेसिटर लगाते हैं, इस कैपेसिटेंस की वैल्यू हाई होनी चाहिए, पहली बात उसको एक्सप्लेन किया है क्यों, और फिर ये बताया कि इसका काम क्या है कि ये रिपल फैक्टर को खत्म करेगा, अनवांटेड सिग्नल को खत्म करेगा, लिखवा रखी है ये बात, और लगभग बच्चों ने नहीं कर दिया, मैं करके गलत करके आए। तो जो चीज आपकी कॉपी में लिखी हुई है वो तो गलत मत करो, तो ये चीज लिखवा रखी है आप फिर भी नहीं बता रहे, इसलिए कहा कि फॉर्मूला कॉपी बनाओ, उसको बार बार याद करो, अभी बात नहीं, सीधा सीधा आउट ऑफ 50 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन जो आए आपकी फिजिक्स में नीट वाले पेपर में, सिर्फ फॉर्मूला लगाओ और आंसर दो, फॉर्मूला लगाओ आंसर दो, एक पार्टिकल को 200 मीटर पर सेकंड से फेंक दिया, इतना एंगल था उसकी मैक्सिमम हाइट, सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो अभी आपको करवाया था डिटो, वो क्वेश्चन आ रखा है जो डाइपोल का टॉर्क वाला जो बता रखा था, जिसमें चार्ज वैल्यू, चार्ज की वैल्यू पूछी थी, आंसर मुझे याद है कि 8 मिली कूलम आया था, 2 मिली कूलम आया था, सेम वही क्वेश्चन आपके, वैल्यू भी चेंज, डाटा भी चेंज, तो इस तरह का आया हुआ सवाल गलत करोगे या नहीं करोगे तो फिर गड़बड़ेगा, है ना। तो V is equal to KQ, ये आ गया आपका R plus L और ये आ गया R minus L, R plus L minus of R plus of R से आपके से, ये आ गया देखो K Q 2L divided by R square minus L square। आप ये बात जानते हो कि R square L square के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा है, तो इसको निगलेक्ट कर देंगे। अगर नहीं होगा, शॉर्ट डाइपोल नहीं है, तो फिर यही फॉर्मूला यूज करें, तो अल्टीमेटली आप यहां पे रुकोगी, बस एक नया स्टेप ये करते हैं कि उसको हट देते हैं, अगर शॉर्ट डाइपोल नहीं तो फिर यही पूछे, तो Q into 2L तो क्या बन गया बेटा एक पी, और अपोन में क्या बन गया ये आर स्क्वायर, मैंने एक्स स्क्वायर को लेकर, तो एक्सिस पर जो आपका पोटेंशियल आया वो केपी बाय आर क्यू आया। इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में कोई भी रिजल्ट क्यू की फॉर्म में नहीं रहना चाहिए, वो डाइपोल मोमेंट की फॉर्म में ही रहना चाहिए आर स्क्वायर आएगा। वन मोर इंपॉर्टेंट रिजल्ट, V on axis of dipole is inversely proportional to R square. जबकि axis पर inversely proportional to R cube था, ये भी सिर्फ और सिर्फ dipole के केस में पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, कर लिया नोट ये। अगला जो केस है दैट इज पोटेंशियल ऑन द इक्वेटर ऑफ लाइन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द इक्वेट, जो इक्वेटोरियल पॉइंट था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था उस पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द इक्वेटर ऑफ डाइपोल, मेरा भी कर देता हूं बाइसेक्टर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द इक्वेटर ऑफ शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल के इक्वेटर पर माइनस क्यू या आपका प्लस क्यू, और ये मान लिया आप आर दूरी पर देखना चाह रहे हैं, ये दूरी एल है, ये दूरी एल है, ठीक है। भूमि अब आप मुझे एक बात बताओ, इस वाले चार्ज के कारण से इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल आएगा उसकी डायरेक्शन इस तरफ आएगी कि अवे आएगी, किस तरफ आएगी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायरेक्शन कब से होने लग गई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी,
समझ में आई? ये दूरी कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एग्जाम में यही गड़बड़ी करती है। ठीक है, तो भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख रहा हूं मैं, क्यू वाले के कारण से कितनी आएगी? के क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसके कारण से क्या आएगी? के माइनस क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इक्वेटर पर पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इज जीरो। इस तरह का सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है उसको बोला जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो हम करेंगे आने वाली क्लास में, बट यहां पर अभी क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया बता देता हूं कि जो इक्विटोरियल प्लेन है आपका, इक्विटोरियल प्लेन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इक्विपोटेंशियल। दो चीजें ध्यान होनी चाहिए। अगर वो पूछे कि व्हाट इज द शेप ऑफ दैट इक्विपोटेंशियल सरफेस, आप क्या कहेंगे? प्लेन, लाइन नहीं है वो पूरा क्या है? प्लेन है। उस पूरे प्लेन पर वैल्यू क्या रहेगी पोटेंशियल की? जीरो, क्योंकि हर एक पर दूरी क्या रहने वाली है? बराबर। दैट विल बी प्लेन, प्लेन रहेगा, लाइन नहीं रहेगी। प्लेन दिखाया इसके अंदर, वो इक्विपोटेंशियल वीडी है, इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब उस पर डेल्टा भी आपका क्या रहता है? जीरो। पोटेंशियल चेंज नहीं होता, पोटेंशियल थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है। वो जीरो भी हो सकता है, वो नॉन जीरो भी हो सकता है। तो डाइपोल के इक्वेटर पर पोटेंशियल जीरो, एक्सिस पर केपी बाय आर स्क्वायर। और जनरल पॉइंट पे भी कर लो, जनरल पॉइंट का डायरेक्ट लिख दूं। जनरल का मतलब समझ आ गया बेटा? आपको नहीं आया? माइनस क्यू प्लस क्यू, यहां से आर दूरी पर, थीटा एंगल पर, ये एल, ये इसको जनरल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ क्या आया था जनरल पॉइंट पर? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट केपी बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ वन प्लस थ्री कोस स्क्वायर थीटा। एक्सियल लाइन पर क्या आया था इलेक्ट्रिक फील्ड? टू केपी बाय आर क्यूब। इक्वेटोरियल पर क्या आया था? केपी बाय आर क्यूब। एक्सिस पर डायरेक्शन वही आई थी जो कि डाइपोल मोमेंट की थी, और इक्वेटर पर डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट आई थी। क्लियर है? तो यहां पर आप जनरल पॉइंट पर क्या लिखोगे बेटा पोटेंशियल का फॉर्मूला? दैट विल बी केपी बाय आर स्क्वायर कोस ऑफ थीटा। इक्वेटोरियल पॉइंट होते ही वो एंगल 90 बन गया, कॉस 90 जीरो, तो Vx, V वहां पर क्या आ जाएगा इक्वेटोरियल पर? जीरो। और अगर आपका क्या है एक्सियल लाइन थीटा बिंदु जीरो केपी बाय आर स्क्वायर। ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया डाइपोल के कारण से। ये ध्यान रहे वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर रहेगा। हो गया इधर से? करो जल्दी से, नोट करो, नोट कर लो जल्दी से। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल और इट्स एक्सिस। सुना है ना आप लोगों ने? पढ़ लिया मेरी ख्याल से पोटेंशियल? क्या आपने ये टर्म सुनी है? क्या पढ़ लिया? नोट कर लिए भले? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल ऑन इट्स एक्सिस। बताओ, ये पहले तो ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल होगा। आपको जानकर हैरानी होगी एनसीईआरटी में इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल के कारण से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि जो
पोटेंशियल आएगा वो आर के कैसे प्रोपोर्शनल। तो पहले तो आप समझें कि ये इलेक्ट्रिक क्वार्टर होगा क्या, वो ऐसा होगा मतलब ये अरेंजमेंट जो होगा ना, ये क्यू, ये आपका माइनस टू क्यू और ये आपका चार चार्जेस मिलकर के दो डाइपोल बना रहे, चार चार्जेस हो गए, चार दिख रहे हैं कि तीन दिख रहे हैं मुझे चार, आपको अगर डाइपोल है तो ओड नंबर में तो चार दिखना ही नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि मुझे दो दो के पेयर बनाने पड़ेंगे। तो आपको ये कैसे दिखना चाहिए, सर एक चार्ज ये है और एक ये एक्चुअल में ऐसे ऐसे ये इस तरीके से। तो आप पहली बात तो ये आपको बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि क्वाड्रपल होगा क्या, क्वाड्रपल क्लियर है सबको, ये जो अरेंजमेंट है इसी को क्या कहते हैं आप इलेक्ट्रिक क्वाड्रपल। अब आपको इसके एक्सिस पे, एक्सिस तो वही रहेगी वो जो लाइन है ज्वाइन कर रही है, उसके एक्सिस पर आपको क्या बताना है, यहां से ये उसका सेंटर की तरह काम करेगा, ये दूरी आर है, यहां पर पोटेंशियल बनता है। अब मुझे लगता है कि अब कोई क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं, कैसे बताऊं, कैसे करोगे बताओ, इस वाले चार्ज के कारण से पोटेंशियल, इस वाले के कारण से और इस वाले के कारण से, जोड़ दो, इस वाले के कारण से कितना आएगा बताओ, के क्यू डिवाइडेड बाय आर प्लस एन प्लस के माइनस टू क्यू डिवाइडेड बाय आर और इसके कारण से के क्यू डिवाइडेड बाय आर माइनस एन, आर माइनस एन देखो अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है। मैं के क्यू कॉमन ले लेता हूं, वन ओवर आर प्लस एल माइनस टू ओवर आर प्लस वन ओवर आर माइनस एल, एलसीएम आ गया आर इंटू आर प्लस एल इंटू आर माइनस एल, यहां पर क्या बचेगा बताऊं, आर इंटू आर माइनस एल माइनस ऑफ टू R माइनस एल इंटू आर प्लस एल प्लस आर इंटू आर प्लस एल, कैलकुलेशन है बहुत बचा नहीं क्वेश्चन में पूछे। V इज इक्वल टू के क्यू, देखो डिनोमिनेटर में क्या बच गया, R इंटू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, आर स्क्वायर माइनस आर एल माइनस ऑफ टू आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एल, आर स्क्वायर माइनस आर एल माइनस टू आर स्क्वायर प्लस टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल। देखो भाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर और ये माइनस टू आर स्क्वायर, माइनस आर एल प्लस आर, ठीक है, आर स्क्वायर इज मच मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर, ये होता ही, हम बात कर रहे हैं कि बहुत दूरी पर है। तो वी इज इक्वल टू, देखो क्या लिखूं, यहां ऊपर से क्या बचा आपके पास सिर्फ टू एल स्क्वायर, तो k देखना मैं जरा अरेंज भी कर देता हूं साथ साथ एक सोचे समझी साजिश के तहत, क्यों किया, क्योंकि मुझे डाइपोल मोमेंट चाहिए था, तो मैंने k वो टू वाला इसके साथ एक क्यू ये और मुझे बस l ही चाहिए था, वही ठीक। और नीचे सिर्फ क्या बच गया बेटा, r स्क्वायर बच गया कि r की पावर फोर बच गई, आर की पावर फोर बची, ये आपका क्या बन गया डाइपोल मोमेंट के पी एन बाय आर की पावर फोर, के पी एन अपॉन आर की पावर फोर, ठीक है, बोलो क्लियर है क्या।
करो यार, करो जल्दी करो। कर लिया नोट। एक्चुअल में यहां पर डाइपोल मोमेंट क्योंकि दो है तो सिर्फ P लिखना उचित नहीं होगा, हम यहां पे क्या लिखते हैं, क्वाड्रिपल मोमेंट। क्या लिखेंगे? क्वाड्रिपल मोमेंट, जैसे डाइपोल मोमेंट था वैसे। वो कैसे लिखोगे सर? आपको कैसे लिखना पड़ेगा? चार इंटू उनके बीच की दूरी, तो वो कितना आ गया आपका 2q इंटू एल स्क्वायर, दो अलग अलग है उनका प्रोडक्ट है, 2q एल स्क्वायर। ये आपका क्या आएगा? ये आपका क्वाड्रिपल मोमेंट आएगा। तो फिर आप इसको मैं कुछ एक नई टर्म से लिख देता हूं, कुछ किससे लिख दूं मैं, कैपिटल Q से लिख दी। सो नाउ V इज इक्वल टू K कैपिटल Q बाय R की पावर 4 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए क्वाड्रिपल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 4 NCERT में है। ये क्वाड्रिपल मोमेंट है भाई, एक का इसका 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 क्या हुआ क्यू इन टू एल, और दूसरे वाले का भी क्यू इन टू एल। दिस इज क्वाड्रिपल मोमेंट। तो आपको ये रिजल्ट भी ध्यान होना चाहिए, ड्यू टू पोटेंशियल ड्यू टू मोनोपोल, मोनोपोल मतलब सिंगल चार्ज अगर था तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, अगर आपका डाइपोल हुआ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, और अगर आपका क्वाड्रिपल हुआ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 4। बोलो क्लियर है क्या? अरे आ रहा है समझ में? हो गया नोट? अरे भैया यार धीरे धीरे नोट करते हो यार। इधर से तो हो गया होगा। स्क्वायर है, ये साइड रूट टू मीटर है, ये साइड भी रूट टू मीटर है, इसके चारों कॉर्नर्स के ऊपर चार्ज रख देते हैं कितना कितना, ये 100 माइक्रोकूलम, ये आपका -50 माइक्रोकूलम, ये -60 माइक्रोकूलम, और ये 20 माइक्रोकूलम। ये फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ स्क्वायर। कैसे करें? सुनो, दूरी सबके कारण से सेम है, नेगेटिव कितने चार्ज है 50 जमा 60 110, और पॉजिटिव कितने 100 जमा 20 120, यानी कि कुल मिलाकर के सर सिर्फ 10 माइक्रोकूलम के कारण ही पोटेंशियल आएगा। तो मैं नहीं आया ना समझ में, तुम्हें अब ऐसे समझ में आएगा। आप सब लोगों का जो दिमाग है ना वो इतना फ्रेश और अनयूज्ड है, कोई भी खरीद लेगा। इसके कारण पोटेंशियल कितना आएगा के 100 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय ये वाली दूरी कितनी है बताओ,
अरे ये वाली दूरी, पूरी दूरी कितनी आती है ये? ये वाली इतनी दूरी कितनी आ जाएगी, जो भी साइड है उसका रूट टू, तो ये कितनी आ गई 1 मीटर, और ये भी कितनी आ गई 1 मीटर, ठीक है। k क्यूब बाय r, इसके कारण कितना आया माइनस के 50 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय r, फिर इसके कारण माइनस के इंटू 60 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय r, और k इंटू 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय r। यही तो बात मैं आपको बता रहा था, आप देखिए क्या आया, ये 50 और 60 110, ये कितना आया 120 में से घटा दोगे आप, तो अल्टीमेटली इस तरह का कोई केस हो तो इतना सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। 50 और 60 कितना होना 110, यही तो पोटेंशियल की खासियत है, और इन दोनों का जोड़ कितना बना 120, दूरी को की सेम थे तो घटा दो सीधा यार, फाइनली आंसर आपका यही आने वाला है, k * 10 की पावर 10 * 10 की पावर -6 / r, और k की वैल्यू 9 * 10 की पावर 9 * 10 की पावर -5 9 * 10 की पावर 4 हो गया। बताओ क्लियर है क्या? अरे क्लियर, इट मींस कि सर अगर इस तरह का केस बनता है जहां पर चार्ज की दूरी पॉइंट से बराबर है, तो उस केस में सीधा क्या देख लो, नेट चार्ज, क्या देख लो, नेट चार्ज, और कौन से फॉर्मूले में पुट कर दो, के क्यू बाय आर, इतना ठीक है। अब हम करेंगे जो कॉन्टिन्यूस बॉडीज हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूस बॉडीज, कॉन्टिन्यूस चार्ज्ड बॉडीज, कॉन्टिन्यूस चार्ज बॉडीज के कारण से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मान लो यार ये कोई बॉडी है आपकी, ये कोई बॉडी है, इस पर ही चार्ज है, इस पे क्या करेंगे हमको एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे जिस पर चार्ज कितना है dq, और उसके कारण r दूरी पर पोटेंशियल कितना मान लिया dv, तो यार dv तो आप क्या लिख दोगे, k dq डिवाइडेड बाय r, टोटल पोटेंशियल के लिए इसको क्या कर देंगे इंटीग्रेट, तो v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ k dv बाय r, सिंपल। इस तरीके से एलिमेंट मानेंगे और एलिमेंट मान करके इंटीग्रेट, बोलो क्लियर है इतना? नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द, पहले लिखो एट द सेंटर ऑफ रिंग, रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आप ये बताइए मुझे कि रिंग के सेंटर पे फील्ड कितना आया था? जीरो, जीरो फील्ड आया था। अब पोटेंशियल, चार्ज q, दूरी r, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा एक चार्ज पार्टिकल अज्यूम कर लिया जिसमें चार्ज कितना है dq चार्ज है, क्या मैं इसको पॉइंट चार्ज मान सकता हूं? अरे बोलो, इस पॉइंट चार्ज के कारण से सेंटर पर जो पोटेंशियल आएगा मुझे उसका फॉर्मूला बताओ, के डी क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, ऐसे जितने भी चार्ज एलिमेंट्स होंगे, एक बात तो कि यहां पे मैंने अभी कैसा चार्ज एलिमेंट किया हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड,
टोटल पोटेंशियल निकालना है तो इसको क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा. सो V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू डिवाइडेड बाय आर. के भी कॉन्स्टेंट और आर का रेडियस है, वो हर एक के लिए कॉन्स्टेंट रहने वाला है, तो दोनों बाहर आ गए. के डिवाइडेड बाय आर इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू. ये इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू दिस इज परफॉर्म ओवर द कंप्लीट रिंग. इसका क्या मतलब हुआ कि ये टोटल चार्ज है किस पर, रिंग पर. दिस इज टोटल चार्ज ऑन रिंग, दिस इज टोटल चार्ज ऑन द रिंग. रिंग पर टोटल चार्ज, रिंग पर टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू. तो आपका पोटेंशियल एट सेंटर आ गया, पोटेंशियल एट सेंटर इज के क्यू बाय आर, के क्यू बाय आर. यानी कि सेंटर पर सर फील्ड तो जीरो था बट पोटेंशियल नॉन जीरो है. इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि किसी पॉइंट पर फील्ड जीरो हो तो वहां पर पोटेंशियल भी जीरो है. इसका उल्टा भी ट्रू है, ये भी जरूरी नहीं है कि किसी पॉइंट पर पोटेंशियल जीरो हो तो फील्ड भी जीरो होगा. समझ में आया, ये बात क्लियर होगी. यहां पर भी मैंने जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन माना इस रिंग पर, वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा माना हमने, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन माना. अब हम बात करते हैं कि कैसा होगा नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन. ये इस बार जो चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, आर रेडियस, इस बार चार्ज क्यू बट नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. अब आप मुझे बताइए कि आप पोटेंशियल क्या होगा सेंटर पर. हाउ विल यू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन दिस केस, बताओ बताओ भैया बताओ. मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सर आंसर तो के क्यू बाई आर ही आएगा. द रीजन इज कि यार आप ये इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हो, कहीं पे कम चार्ज हो कहीं पर ज्यादा चार्ज हो फर्क क्या पड़ता है, दूरी सबकी सेम ही है और डायरेक्शन है ही. तो यानी कि मेरा इंटरेस्ट सिर्फ किसके अंदर होना चाहिए, टोटल चार्ज जानने में, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा. मान लो यार एक बात बताओ, मैं तो कह रहा हूं कि आपने यहां क्यू बाई टू चार्ज रख दिया और यहां क्यू बाई टू रख दिया, पोटेंशियल कितना आएगा, के क्यू बाई आर. आप यहां क्यू बाई फोर रख दो, यहां क्यू बाई फोर, यहां क्यू बाई फोर, यहां क्यू बाई फोर, क्या आएगा, के क्यू बाई आर. कारण कि वो तो हमें सिर्फ सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन करना है, यहां डायरेक्शन का रोल नहीं है. तो आंसर विल बी के क्यू बाई आर. अरे क्लियर है ये बात. अब हम लोग करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, रिंग की एक्सिस पर, ठीक है. अच्छा आप एक बात बताओ, रिंग की एक्सिस पर सभी पॉइंट्स की दूरी सेम है कि अलग अलग है. अरे रिंग की एक्सिस पर रिंग से दूरी सबकी सेम है कि अलग अलग है. अरे सेम है भाई, आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हो रिंग के कारण से, ये ऐसे नहीं निकालता कि दूरी क्या आई थी, सेम आई थी. एक्सिस पर रिंग के हर एक पॉइंट की दूरी क्या है, सेम है. क्लियर होगी बात. तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सर क्यों फर्क पास कर रहे हो, सीधे लिख लो के क्यू ओवर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. क्यों वो फालतू सब एलिमेंट वगैरह, क्यों, क्योंकि दूरी सबकी क्या है सेम, टोटल चार्ज कितना क्यू, तो के क्यू और दूरी कितनी, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. इसका ग्राफ चाहो तो बना सकते हो आप बी और एक्स के बीच सेंटर पर मैक्सिमम आया था. और आपको याद है फील्ड वाला डायग्राम कैसा आया था,
अरे फील्ड वाला डायग्राम इस तरह वाला आया था भैया, याद हो तो आर बाई रूट टू पर वैल्यू क्या आई थी, मैक्सिमम कितनी हुई थी। तो ये आपके एक्सेस पर आ गया के क्यू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके रिंग के एक्सेस पर आ गया। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ आर्क, कोई आर्क है उसके सेंटर। अब आप बताएंगे मुझे कि आर्क पर ये एंगल है अल्फा, ये चार्ज है आपका पॉजिटिव और टोटल चार्ज है आपका क्यू, दोनों फॉर्म में करेंगे। चार्ज डेंसिटी अगर लैम्डा कूलाम पर मीटर दिया है तो क्या आंसर आएगा, और टोटल चार्ज क्यू दिया है तो क्या आएगा। टोटल चार्ज अगर क्यू दिया है तो मुझे लगता है कि आंसर इसके क्यू बाय आर। यार चार्ज टोटल क्यू है, दूरी सभी की क्या है बराबर है, के क्यू बाय आर। और लैम्डा की फॉर्म में, सर लैम्डा की फॉर्म में है ना, फिर आपको क्यू को रिप्लेस करना होगा। क्यू क्या होगा, चार्ज डेंसिटी इनटू इसकी लेंथ, और इसकी लेंथ कितनी होती है आर अल्फा, अल्फा शुड बी इन रेडियन। अरे याद है ना, एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो एक और फॉर्मूला, ये आर से आर कैंसिल आउट हो गया, के लैम्डा अल्फा, ये अल्फा क्या किसमें होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। अगर टोटल चार्ज दे रखा है तो के क्यू बाई आर, टोटल चार्ज दे रखा है तो के क्यू बाई आर। अच्छा अगर ऐसा दे रखा हो, ये क्वेश्चन देख लो, ये ध्यान रखना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, उससे भैया पोटेंशियल पर फर्क नहीं पड़ेगा। ये हाफ रिंग है, चार्ज क्यू है, सेंटर पर पोटेंशियल बताओ। अरे सेंटर पर पोटेंशियल, अरे यार तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, के क्यू बाय आर। जब हमने आर का ही लिख दिया के क्यू बाय आर, तो अब तो कुछ भी आ जाए। बोलो क्लियर है क्या, यानी कि इस तरह के सिमेट्रिकल केसेस के अंदर फॉर्मूला क्या रहेगा, के क्यू बाय कैपिटल आर, दूरी अगर सेम है तो गो फॉर द टोटल चार्ज, और सीधा फॉर्मूला लिख दे आप के क्यू बाय आर। इतना क्लियर है आपका, इतना आप अच्छे से करेंगे, एक एक फॉर्मूला आपको याद हो कल की क्लास में, और कैसे ये सब रिजल्ट आए ये क्लियर है, ठीक है। इस पर भी और करना है, कॉन्टिन्यूस बॉडीज और एक आधी बची, ठीक है, इतना आप कर लें, बाकी फिर कल क्लास में।